जरा सोचो, एक आदमी पेट्रोल पीकर बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए, लेकिन चीजें जैसी दिख रही है उतनी सीधी है नहीं। कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप से, जो सीधा जाकर कोरिया में क्रैश हो गई। स्पेसशिप एक नदी में डूबी और अचानक नदी से एक आदमी बाहर निकला। इसके बाद हम मेंजी नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपनी पत्नी सूही के साथ नाश्ता तैयार कर रहा था। उनकी हाल ही में शादी हुई थी और दोनों खूब मजे लूट रहे थे। मेंजी काफी अच्छा, सुंदर और मेहनती है, इसीलिए सूही खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती है। एक दिन सुबह नाश्ता करते हुए मेंजी ने कहा कि वो आज रात डिनर के समय तक घर नहीं पहुंच पाएगा। सूही ने पूछा, तुम सच में काम के लिए बाहर जा रहे हो या कुछ और बात है? लेकिन मेंजी ने यही जवाब दिया कि वो उससे बहुत प्यार करता है। फिर शाम को सूही अपने बचपन के सहेलियों के साथ मिलने गई। तब उसकी एक सहेली ने उससे उसके पति के बारे में पूछा, तो सूही ने अपने पति की तारीफों के पुल बांध दिए। इतनी तारीफ सुनकर वो लड़की भी कहने लगी, बस ना, मेरा बॉयफ्रेंड भी बहुत अच्छा है। इसके बाद सरा नाम की एक दूसरी लड़की के बारे में बात छिड़ गई। सरा के बारे में अफवाह थी कि उसने अपने पिछले पति को मार डाला था, क्योंकि उसका बाहर चक्कर चल रहा था। फिर रात को सूही घर देर से लौटी, तब तक मेंजी सो चुका था। सूही को उसके हाथों पर कुछ निशान दिखे और तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। फिर सूही ने अपने पति का फोन देखा तो उसमें कई मैसेजेस मिले। एक मैसेज में लिखा था कि वो शुक्रवार को किसी से मिलने वाला है। ये पढ़कर सूही को शक हो गया कि कहीं मेंजी का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। अगले दिन सूही ने मेंजी को शुक्रवार को उसके साथ एक फंक्शन में चलने को कहा, लेकिन मेंजी ने काम का बहाना करके बात टाल दी। अब सूही का शक और बढ़ गया कि उसकी नाक के नीचे उसका पति उसे धोखा दे रहा है। आखिरकार सूही डॉक्टर सेंग नाम के एक प्राइवेट जासूस से मिली। वो चाहती थी कि जेंग उसके पति का पीछा करके पता लगाए कि सच में उसका कोई चक्कर है या नहीं। इसके बाद डॉक्टर काम पर लग गया और हर जगह मेंजी का पीछा करने लगा। आखिरकार उसने सूही को मिलकर बताया कि मेंजी उसे धोखा तो दे ही रहा है और इसके अलावा उसके कुछ अजीबोगरीब आदतें भी हैं। मेंजी अपना ज्यादातर समय क्लब्स, जिम और गोल्फ पर बिताता था। वो हर दिन नई लड़कियों के साथ घूमकर गुलछर्रे उड़ाता है, और तो और वो हर सुबह बहुत सारी वाइन्स पीता था। डॉक्टर जेंग ने बताया कि मेंजी की तो पहले भी 3 शादी हो चुकी है और उसकी तीनों पत्नियां या तो गुमशुदा है या फिर मर चुकी है। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि मेंजी छिपकर पेट्रोल पीता था। ये सब सुनकर सूही का दिल टूट गया और वो रोती हुई वहां से चली गई। उस रात सूही ने एक चाकू से मेंजी का काम तमाम करने की कोशिश की, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाई। आखिरकार वो अपनी पुरानी दोस्त सैरा से मिलने पहुंची। उसने सैरा से कहा कि वो अपने धोखेबाज पति को मारना चाहती है। सैरा की खुद की 4 शादियां टूट चुकी थी और उस पर अपने पिछले पति को मारने का इल्जाम भी था। उसने कहा कि हालांकि उसने अपने पिछले पति को नहीं मारा, लेकिन फिर भी उस कमीने का मरना बनता था। ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अगले दिन सूही एक बार फिर से डॉक्टर जेंग से मिली और उसने बताया कि मेंजी इस दुनिया का है ही नहीं, वो किसी और ग्रह से आया है और वहाँ के लोगों को द अनब्रेकेबल्स कहा जाता है। ये लोग धरती पर भेस बदल कर इंसानों के साथ रह रहे हैं। ये इंसानों से शादी कर बिल्कुल इंसानों जैसा जीवन बिताते हैं, ताकि इन पर किसी को शक ना हो। जब सूही को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, तब डॉक्टर जेंग उसे पेट्रोल पंप पर ले गया, जहां सूही ने अपनी आंखों से मेंजी को पेट्रोल पीते हुए देखा। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उधर एक्सकॉम में सरकार की एक खुफिया मीटिंग चल रही थी, जिसमें साइंटिस्ट, सरकार और पुलिस के कुछ आदमी शामिल थे। इन लोगों का मकसद है एलियंस को पकड़ना, जो इंसानों के साथ रहकर इंसानों का डीएनए इकट्ठा करके उनमें वायरस फैला रहे हैं। इसके लिए उन्हें एलियन लीडर मेंजी तक पहुंचना होगा, ताकि इंसान जाति को बचाया जा सके। उधर डरी हुई सूही अपने घर पहुंची और उसने फ्रिज में से पानी पिया, लेकिन मेंजी ने पहले ही पानी में जहर मिला रखा था, इसीलिए उसे पीते ही सूही जमीन पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद मेंजी वहां आया और सूही को बेहोश देखकर खुश हो गया। उसने तुरंत सूही के दोस्तों को खबर कर दी, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि सूही मर चुकी है। उसकी सारी सहेलियां रोने लगी और मेंजी भी बेचारा बनकर नाटक करने लगा, लेकिन अचानक सूही जाग गई और उसने नीले रंग का जहर थूक दिया। अब मेंजी का प्लान चौपट हो चुका था, लेकिन वो सूही को जिंदा देखकर खुश होने का नाटक करने लगा। इसके बाद मेंजी ने दुकान पर जाकर एक और जहर खरीदा, ताकि वो सूही को खत्म कर सके। वहीं पुलिस भी उनका पीछा कर रही थी और उन्होंने दुकान के बाहर मेंजी की तस्वीरें ले ली। शाम को मेंजी अपने एलियन दोस्तों से मिला और उन्हें सूही को मारने के प्लान के बारे में बताया। उसने उन सब से सूही के बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए मदद मांगी। दूसरी तरफ सूही सैरा के साथ मिलकर मेंजी को मारने का प्लान बनाने लगी और उसे डॉक्टर जेंग से भी मिलवाया। वो तीनों मेंजी को बिजली के तेज झटके देकर मारना चाहते थे। अगर उनका प्लान फेल भी हो गया तो डॉक्टर जेंग के पास एक और प्लान था। उसने एक खास इंजेक्शन बनाया था, जिससे एलियंस को मारा जा सकता है, लेकिन अभी तक उसने इसे टेस्ट नहीं किया था। वाह, कुछ ज्यादा ही भगवान भरोसे नहीं हो रहा है ये। फिर वो तीनों सूही के घर पहुंचे और प्लान को अंजाम देने में जुट गए। डॉक्टर जेंग ने बाथटब में बिजली की तेज किरणें लगा दी और उसका रिमोट निकाला, जो कि एक आम लाइटर जैसा दिखता है। उसी वक्त घंटी
बजी और उन तीनों को लगा कि मैनजी घर वापस आ गया है। इसीलिए सैरा और डॉक्टर जैंग फटाफट बाथरूम में छिप गए, लेकिन दरवाजे पर तो सोही की दोस्त बंदूक लिए खड़ी थी। वो अपने बॉयफ्रेंड ब्रोकली को ढूंढ रही थी, जो असल में डॉक्टर जैंग ही है। उसने पूरे घर की तलाशी ली और देखा कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है। उसने गुस्से में दरवाजा तोड़ डाला, लेकिन वहाँ तो सैरा हल्की हो रही थी। बेचारी शर्मिंदा होकर बाहर आ गई। असल में डॉक्टर जैंग तो बाथटब में पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। उधर लिविंग रूम में उसने सोही को बताया कि उसका बॉयफ्रेंड शायद उसे धोखा दे रहा है। फिर उसने एक सिगरेट निकाल ली, लेकिन उसके पास लाइटर नहीं था। इसीलिए उसने उस लाइटर जैसे दिखने वाला रिमोट उठाया। जैसे ही उसने बटन दबाया, डॉक्टर जैंग को जोरदार बिजली का झटका लगा। तीनों लड़कियां डर के मारे बाथरूम की ओर भागी और उन्होंने देखा कि डॉक्टर जैंग तो मर चुका था। सूही ने उसके मौत का जिम्मेदार यांग सू को ठहराया, क्योंकि उसने ही बटन दबाया था। लेकिन सूही ने कहा कि कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा और सब मिलकर डॉक्टर जैंग की बॉडी को छुपाएंगे। उन्होंने बॉडी को मैनजी की अलमारी में छुपा दिया और तभी मैनजी घर लौट आया। दरअसल आज उसका जन्मदिन भी था, तो सूही कहने लगी कि जाओ ना बाबू, नहा के आओ, ऐसे बिना नहाए केक नहीं काटते। जब वो बाथटब में था तो सूही ने बाहर से बटन दबा दिया। मैनजी को बिजली का झटका तो लगा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब लड़कियों ने उसे जिंदा देखा तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, लेकिन उन्होंने कहा ये तो बस एक प्रैंक था, और इसके बाद सब मिलकर केक काटने लगे। तभी सूही ने मैनजी को वाइन पीने को कहा, जिसमें उसने पहले से जहर मिला रखा था। उसी वक्त अलार्म बजने लगा कि अलमारी में कुछ है, तो मैनजी तलाशी लेने पहुंचा। तीनों लड़कियां भी डरी हुई थी और उसके पीछे आ गए। जैसे ही उसने अलमारी खोली, उसमें से डॉक्टर जैंग निकला, जो अब तक जिंदा था। मैनजी को लगा कि वो एक चोर है और उसने उसे मारकर बेहोश कर दिया। सूही को लगा कि अब तो डॉक्टर मर गया, इसीलिए उसने मैनजी से डॉक्टर को दफनाने को कहा ताकि वो पकड़े ना जाए। उधर से मैनजी के दोस्त सूही के बॉडी को ठिकाने लगाने आ पहुंचे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही गड़बड़ चल रही थी। इसीलिए उन्होंने कहा, हम तो भाई का जन्मदिन मनाने आए हैं, भाई हमारे बिना पार्टी कैसे होगी। मैनजी ने उन्हें वाइन पीने भेज दिया और खुद लड़कियों के साथ डॉक्टर को दफनाने चला गया। जैसे ही मैनजी ने जमीन खोदी, सूही ने पीछे से उसके सर पर कुल्हाड़ी मारकर उसे डॉक्टर के साथ वहीं दफना दिया। आखिरकार उन तीनों ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी मैनजी का सर जमीन से बाहर आ गया। ये देखकर वो तीनों तुरंत गाड़ी में भाग गई। मैनजी भी बाहर निकलकर उनका पीछा करने लगा, वो तो गाड़ी से भी तेज भाग सकता था। इसी चक्कर में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और इसी सब के बीच मैनजी भी एक पहाड़ से नीचे जा गिरा। जब लड़कियों को मैनजी की लाश नहीं मिली तो वो वापस सूही के घर लौट आई, लेकिन वहाँ तो मैनजी के सारे एलियन दोस्त मरे हुए थे, क्योंकि सबने वो जहरीली वाइन पी ली थी। बिना समय गवाए उन तीनों ने सारी बॉडी को गाड़ी में भरी और उन्हें ठिकाने लगाने चल पड़ी, लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस ने रोक लिया। उन्होंने बहाना लगाया कि सर ये तो हमारे पति हैं जो शराब पीकर बेहोश हो गए हैं, अक्कड़ कहीं के। आखिरकार उन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस डॉक्टर जैंग को भी वहाँ ले आई, क्योंकि उन्हें लगा वो आवारा घूम रहा है। असल में बिजली के झटके की वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। उधर मैनजी पहाड़ चढ़कर फिर से ऊपर आ गया और वहाँ उसे पेट्रोल दिखाई दिया। जैसे ही उसने पेट्रोल पिया, उसके सारे जख्म भर गए और वो एकदम तंदुरुस्त हो गया। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन गया और सूही और उसकी सहेलियों को छुड़ाकर अपने साथ ले आया। गाड़ी में मैनजी ने नाटक किया कि उसे तो कुछ भी याद नहीं है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कहने लगा कि वो उन तीनों को बड़े प्यार से मारेगा मस्ती के साथ। अचानक सैरा ने अपना चाकू निकाल उसके सर पे दे मारा, इससे गाड़ी एक बार फिर से पहाड़ से नीचे गिरी, लेकिन सूही सैरा और यांग सू जिंदा बच गई। वो तीनों जल्दी से गाड़ी से निकल कर भागी। कुछ देर बाद मैनजी उठा और चाकू अब भी उसके सर में था। तीनों लड़कियां भागकर एक फैक्ट्री में छुप गई, लेकिन मैनजी अपनी शक्ति से उन्हें ढूंढ निकाला। जैसे ही वो सूही को मारने वाला था, बहुत सारे एलियन ऑफिसर्स वहां आ पहुंचे। जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और मैनजी ने अपने तिलोश्मी शक्ति से ऑफिसर्स को धूल चटा दी। तभी डॉक्टर जैंग ने सूही को अपना बना हुआ इंजेक्शन थमा दिया। सूही ने पीछे से मैनजी को इंजेक्शन लगा दिया और अचानक वो कुछ देर के लिए वहीं जम गया। डॉक्टर जैंग के इंजेक्शन ने काम किया और आखिरकार मैनजी मारा गया। एक साल बाद तीनों सहेलियां पार्टी कर रही थी, तब डॉक्टर जैंग यांग सू के लिए फूल ले पहुंचा। आखिरकार हमने देखा कि सूही एक पेट्रोल पंप पर गई और पाइप अपने हाथ में उठा ली, जैसे कि वो पेट्रोल पीने वाली है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो